है कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ उनको कल यानी कि नाग पंचमी के खास दिन कैसे करनी चाहिए भगवान शिव की आराधना, उनकी पूजा। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। सुबह से ही आपके अनुकूल वातावरण बना हुआ है, इसलिए आपके मन में अभूतपूर्व प्रसन्नता रहेगी। अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी, अप्रत्याशित रूप से आप धन प्राप्त करेंगे, लेकिन आज आप अपनी व्यस्तता के कारण अपने पढ़ाई में व्यवधान पाएंगे। आज आप मन लगा करके पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन आपको चाहिए कि यदि आपकी कर्क राशि है तो आपको कल अर्थात नागपंचमी के दिन दूध में मिश्री और मेवा मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और एक बात बताना चाहूंगा आपको, कल अर्थात नागपंचमी के दिन हम भगवान शिव और नागपंचमी से जुड़े 20 ऐसे उपाय बताएंगे जिसे करके आप अपने भाग्योदय को साक्षात देख पाएंगे। दूध चढ़ाने के बाद रुद्राक्ष की माला पर 21 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जप भी करना चाहिए। कल भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने के बाद बिलोपत्र समर्पित करें और उसके बाद 21 माला ओम नमः शिवाय का जप करें भगवान शिव का, इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव के पंचाक्षर श्लोक को भी यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी।